हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम बैक टू द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चैनल गाइस टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरी फैमिलियर एंड वेरी सिंपल टॉपिक दैट एवरीबॉडी शुड नो राइट गाइस आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है वेरिएबल्स के ऊपर क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि वेरिएबल्स मैम अंडरस्टैंड नहीं हो रहा अब जो लोग जो है प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं लाइक जिन्होंने सी सी प्लस प्लस जावा जावा स्क्रिप्ट ये सारी लैंग्वेज जिन लोगों ने की हैं उन लोगों को तो पता है कि वेरिएबल्स क्या हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि वेरिएबल्स का हमें पता नहीं चल रहा ऑफ कोर्स कि आप एक न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो दैट इज़ अ पाइथन लैंग्वेज तो पाइथन में भी वेरिएबल्स हैं लेकिन उनके रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं ठीक है क्योंकि पाइथन एक न्यू लैंग्वेज आपके लिए है न्यू तो नहीं बोल सकते पहले ही थी लेकिन अब आप ये बोल सकते हो कि आर्ट की मॉडर्न जनरेशन में अब ये दोबारा से रिन्यू हुई है आप ये चीज़ बोल सकते हो राइट right? तो चलिए वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं आज हम लोग वेरिएबल्स क्या हैं वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स विच वी यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज़ वेरिएबल्स क्या है आपका कंटेनर्स होते हैं कंटेनर्स आपको पता ही है क्या है कंटेनर्स कोई भी बाउल कोई चीज़ जिसमें आप क्या करोगे वैल्यूज़ को स्टोर करोगे ठीक है जैसे आपके पास किचन में अंटिल्स होते हैं ठीक है गिलास है प्लेट है, है आपके पास जो है बाउल है वो क्या है आपके कंटेनर्स हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हो सिमिलरली प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं तो वेरिएबल्स क्या हैं आपके कंटेनर्स हैं जिसमें आप डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हो अब हम पाइथन को स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा हर एक लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ठीक है तो वेरिएबल्स में भी क्या होगा पाइथन में जब हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपके प्रीवियस जो लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें हम वेरिएबल्स यूज किए हैं ऑफकॉर्स हमने तो रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स इन पाइथन दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि पाइथन में अगर वेरिएबल यूज करना हो तो उसका एक अर, अलग रूल होगा अगर आपको सी में यूज़ करना है अलग रूल होगा सी प्लस प्लस में इस तरीके से अलग अलग रूल्स होते हैं हर एक जगह हर एक चीज़ को इस्तेमाल करने के ठीक है तो पाइथन में अगर आप वेरिएबल यूज़ करो तो उसके क्या रूल्स होंगे उनको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए फर्स्ट वन इज देयर इज़ नो नीड टू डिफाइन वेरिएबल्स इन पाइथन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि पाइथन में वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है जो लोग जिन्होंने सी सी प्लस प्लस स्टडी किया है उनको पता है कि अगर सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में आपको वेरिएबल यूज़ करना है तो उसको पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ता है उसका डाटा टाइप देना पड़ता है कि ये वेरिएबल मेमोरी को बताना पड़ता है कंपाइलर को कि ये वेरिएबल हम लोग यूज़ करने वाले हैं तो इसके लिए जगह बनाएँ ठीक है लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता हमें वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेम्बर राइट इनिशियली इनिशियली मीन्स उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी वी असाइन वैल्यू टू इट हम डायरेक्टली उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे वैल्यू डालेंगे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जब भी हमें वेरिएबल की ज़रूरत है डायरेक्टली हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसमें वैल्यू को स्टोर कर देंगे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये भाई ये पहले से बताने की जरूरत है कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर और ये एक अच्छी फैसिलिटी भी है ठीक है देन वेरिएबल नेम्स ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट ये तो आपको पता ही है वेरिएबल का नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है फॉर एग्जाम्पल आपने नेम लिया ए ठीक है या आप पूरा कोई नेम ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने लिया रिया कोई नेम भी ले सकते हैं कोई नेम ले लिया आपने हेलो कुछ भी मतलब कोई भी वेरिएबल का नेम रख सकते हो ठीक है देन वेरिएब वेरिएबल का नेम जो है वो अल्फ़ा नुमैरिक हो सकता है मींस इस तरीके से हो सकता है अल्फ़ाबेट ऑफ नुमैरिक्स आप मिक्स कर सकते हो लेकिन नुमैरिक अल्फा नहीं होगा अल्फ़ा नुमैरिक होगा यानी कि अल्फ़ाबेट पहले होगा नुमैरिक आप बाद में जोड़ सकते हो ठीक है लेकिन वो नुमैरिक से स्टार्ट नहीं होगा दैट इज़ अनदर रूल नेक्स्ट मूव towards द नेक्स्ट पॉइंट There इज नो गैप कंसीडर बिटवीन द वेरिएबल नेम ये तो आपको पहले से मालूम है कि वेरिएबल के नेम के बीच में हम कोई भी गैप नहीं देते हैं फॉर example आपने वेरिएबल का नेम लिखना है a1. वन अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो ए स्पेस वन तो वो क्या होगा गलत ठीक है वेरिएबल में आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो ए वन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अलग से स्पेसिफाई नहीं हो रहा तो आप गैप की जगह पे अंडरस्कोर का सिंबल यूज़ कर सकते हो जैसे आपने लिखा ए वन यानी कि उस गैप को उस खाली जगह को आप किसी भी सिंबल से भर सकते हो दैट इज़ द रूल ओके देर इज़ नो गैप कंसीडर बिटवीन द वेरिएबल नेम्स ये चीज़ इंपॉर्टेंट है वेरिएबल के नेम के बीच में कोई भी गैप कंसिडर नहीं होता है बट इफ़ वी अन ए वेरिएबल विद लॉन्ग नेम लेकिन अगर हम वेरिएबल का नाम बहुत लंबा रख रहे हैं दैन फॉर अवर कन्वीनियंस तो अपनी कन्वीनियंस के लिए वी वॉन्ट टू क्रिएट अ गैप बिटवीन द वेरिएबल नेम बाइनिंग अंडर स्कोर साइन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ब्लैंक स्पेस जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ब्लैंक स्पेस क्रिएट करने की जगह पर वहाँ पे आप अंडर स्कोर का सिम्बल यूज कर सकते हो राइट right? नाउ अब हम बात तो ये कुछ एक रूल्स थे जो आपको याद रखने हैं बिफोर डिफाइनिंग अ वेरिएबल स पाइथन में तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो रूल्स आपको बताएं कि गैप नहीं होना चाहिए अल्फा नुमारिक होना चाहिए नुमारिक अल्फा नहीं होनी चाहिए वो चीजें तो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी ठीक है नाउ वेरिएबल्स इन पाइथन आर के सेंसिटिव ये चीज इंपॉर्टेंट है के सेंसिटिव का ये मतलब है कि अगर आपने वेरिएबल का नेम स्मॉल लेटर में लिखा है तो उसका कुछ और मतलब है अगर आपने कैप्स में लिखा है तो उसका कुछ और मतलब है राइट right? जैसे आपने यहाँ पे देखिए a इक्वल टू टू ए इक्वल टू टू दोनों a है लेकिन एक स्मॉल a है एंड द अनदर वन इज कैपिटल a सो so, अगर आप a को प्रिंट करवाएंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी टू अगर आप इस तरीके से करते हो प्रिंट a ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा प्रोग्राम बना दिया इम्पोर्ट पांडा सा एस पी डी ए इक्वल टू टू फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरीके से लिख दिया ए वेरिएबल आपने लिया उसमें टू वैल्यू स्टोर कर दी ए को प्रिंट करवाया तो कितनी वैल्यू प्रिंट होगी टू फिर आपने ए में अनदर वेरिएबल लिया ए इक्वल टू फाइव अब आपने कैप्स में लिया है ठीक है फाइव लिया अब अगर आप ए को प्रिंट करवाएं तो कितनी वैल्यू आएगी फाइव आएगी ठीक है तो दिस मीन्स मीन्स केस सेंसिटिव है स्मॉल ए का कुछ और मतलब है कैपिटल ए का कुछ और मतलब है ठीक है राइट गाइस तो दिस इज दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरिएबल्स इन पाइथन इसके रिगार्डिंग भी अगर आपकी कोई क्वायरीज रह गई हैं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉर गेट टू हिट द बेलाइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप इंजॉइंग द पाइथन लैंग्वेज बाय बाय